पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। आज हम आपके लिए डिविडेंड सीरीज का 14वां शेयर लेकर आए हैं FZCM, फजल क्लॉथ मिल्स लिमिटेड। 15 अप्रैल को इसकी कीमत थी 264 रुपये। इसकी 2021 की EPS थी 181.06 रुपये। डिविडेंड रहा 30 रुपये। 22 के दो क्वार्टर्स में इसकी EPS है 104.63 रुपये। इससे उम्मीद की जा सकती है कि 22 साल का EPS भी पिछले साल की तरह 181.06 रुपये के आसपास हो सकता है और पिछले साल की तरह 30 रुपये का डिविडेंड भी दे सकते हैं। तो शेयर की आज की कीमत के हिसाब से डिविडेंड यील्ड बनेगी 11%। मतलब अगर एक साल बाद भी कीमत 264 रुपये रही तो। लेकिन मार्केट में होगा क्या, ये कोई नहीं जानता। टेक्सटाइल सेक्टर में सरमायाकारी करने से पहले RUPL की वीडियो देख लें, जिसमें इस सेक्टर में सरमायाकारी करने से पहले कुछ जरूरी हिदायत की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। अगर माजी को देखें तो इसकी 19, 20 और 21 की EPS थी 50.52 रुपये, मनफी 18.98 रुपये और 181.06 रुपये। डिविडेंड को देखें तो 19, 20 और 21 में दिया 10.50 रुपये, 0 और 30 रुपये। इनकी सेल्स में इजाफा हो रहा है। बस एक काम जरूरी है, हर शेयर जो आपने खरीदा इसके हर क्वार्टर के रिजल्ट का जायजा लेते रहें कि सेल्स या मुनाफे में कहीं बहुत ज्यादा कमी तो नहीं आ गई। उस हिसाब से इसमें सरमायाकारी का फैसला करना होगा। ये सारा एनालिसिस करने के लिए हमने डेटा PSX की वेबसाइट से लिया। आप वहां से खुद डेटा वेरीफाई करें, कंपनी की मुकम्मल फाइनेंशियल तफसील देखें, फिर अपनी सरमायाकारी का फैसला करें। याद रहे, ये कोई बाय या सेल कॉल नहीं, शेयर खरीदने या बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर हमारा तज्जिया आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं, ताकि हमें तज्जिया बढ़ाने की वजह मिल सके। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक ले जाने में आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह के हवाले।